हाँ तो भाई लोग कैसे हो आप। तो आज आपके भाई ने एक गाड़ी और ले ली है, वो भी डीजे बनाने के लिए। तो आपको लग रहा होगा कि आज हमने जो डीजे की गाड़ी है बिना डीजे का आज आपको क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि आपके भाई ने ये गाड़ी न्यू ली है यानी सेकंड हैंड ली है किसी से, और इस पर डीजे बनाने जा रहा हूँ मैं वापस नहीं है। तो उसके पहले जो मेरे भाई मेरी वीडियो देखते हैं और जो डीजे रिलेटिव इंटरेस्टेड हो और डीजे बनाने का शौक़ रखता हो, तो मेरे भाइयों डीजे बनाने से पहले, क्योंकि मैंने जो पहले लॉस खाया था जब शुरू शुरू में मैं भी नहीं जानता था, उसके बाद अब जो मैं जान चुका हूँ वो तो मैं आपको बता ही सकता हूँ यार, कि आप उस लॉस से बच जाओ। डीजे गाड़ी बनाने से पहले कोई छोटा मोटा नुकसान होता तो मैं आपको बोलता भी नहीं, कम से कम 10 या 9 लाख रुपए का नुकसान खाने से अगर बचना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि भाइयों जो बात है ये पिकअप पे है। ये पिकअप है, देखो ये पिकअप आपके भाई ने खरीदी है, ये जो है पूरी पिकअप। उसके बाद में डीजे की गाड़ी का आपने डांस देखा ही होगा कि डीजे की गाड़ी इतनी उठ उठ के जाती है जिसकी कोई हद नहीं। आपने वीडियो में देखा भी होगा कभी भोंपू टूट जाता है, कभी क्या टूट जाता है। उसके बाद में आपने ये नहीं देखा होगा कि गाड़ी का एक दो वीडियो में आपने देखा भी होगा गाड़ी का चेचिस टूट जाता है, वो उस पर पूरी गाड़ी टिकी हुई आती है। तो उसके सिंपल सी जो बात है, अगर आपके जहाँ आप डीजे गाड़ी बनाने जाओ उसके पहले चेचिस पर ये जरूर करवा लेना, जिससे अगर आप डीजे गाड़ी का डांस भी कराते हो तो डीजे का गाड़ी का चेचिस कभी फटे नहीं। जैसे कि ये सिंपल देखो, ये चेचिस आता है गाड़ी का, ये चेचिस जहाँ पे ये पत्ती लगी हुई नहीं है, पर ये जो पत्ती है ये हमने लगवाई है डीजे गाड़ी, ये जिससे ऊपर भी लगवाई है और नीचे की तरफ भी लगवाई है, ये देखो आगे जाके, क्योंकि डीजे की गाड़ी का जो चेचिस फटना रहता है वो यहीं से ही फटना रहता है ऐसे। तो हमने ये पत्ती भी लगवा रखी है और ये पत्ती भी लगवा रखी है, इससे अगर डीजे की गाड़ी का आपका फुल डांस भी होता है तो आपकी गाड़ी में कभी भी नुकसान नहीं होगा, ना गाड़ी डांस करते हुए ऐसे टूटेगी कभी भी। इससे अगर आपको बताया यार, क्योंकि चेचिस पे ही तो सारा मुद्दा आता है और चेचिस ही डीजे की गाड़ी का टूट गया, तो अगर आप भविष्य में डीजे की गाड़ी को बेचना भी चाहोगे ना तो चेचिस देख के आपकी डीजे की गाड़ी को कोई भी नहीं खरीदेगा, कि यार डीजे की गाड़ी का, क्योंकि जो मेन है वो मेन ही है। और उसके बाद में डीजे की गाड़ी का खतरनाक आप स्टैंड करवाना चाहते हो कि जिससे आप सोचो कि मैं ज़रा सी डीजे की गाड़ी नचाना सीख गया, उसके बाद में टायर रॉकेट बन के जाए, तो उससे सिंपल सी बात है, अगर इतने टायर उठाना चाहते हो तो डीजे की गाड़ी के ये पीछे वाले शोकर भी निकाल लेना। ये देखो मैंने भी निकला रखे हैं गाड़ी के ये पीछे वाले शोकर, इससे क्या डीजे की गाड़ी में ऑलरेडी इतना वजन आता है कि गाड़ी ये है जो गाड़ी है ये पीछे की तरफ वैसे झुकी हुई रहती है, अगर ये शोकर डले हुए रहेंगे तो गाड़ी का अगर आगे से आप डांस कराते हो तो इतना उठ के नहीं जाए, क्योंकि ये भी पंच मारेंगे पीछे से। तो डीजे की गाड़ी के शोकर निकलने के बाद में आगे के शोकर तो लगे हुए रहते हैं, डीजे की गाड़ी जब डांस करेगी आगे से तो पीछे सिंपल सी बात है पीछे शोकर नहीं होगा तो पीछे ही ज़्यादा झुकेगी और आगे से वही रॉकेट बन के, जिसमें आपको भी लगेगा कि मैं गाड़ी नचाना सीख गया, मैं गाड़ी नचाना सीख गया। तो इस नुकसान से बचने के लिए आज आपके भाई ने ये वीडियो बनाई है, क्योंकि ये नई गाड़ी मैं बनाने जा रहा हूँ, जो मैं इसके बाद में जो इसका जो डाला बनता है उसके बाद में जो रॉयल में जो गाड़ी बनाऊँगा उसकी वीडियो भी आपके लिए डालूंगा, और जो डाला बनता है इसका किस साइज का बनता है कितना बड़ा बनता है वो भी बहुत जल्द मैं आपको ये भी बताऊंगा, क्योंकि आपका भाई जो वीडियो डालेगा उसमें मेरे साथ के साथ मैं आपको भी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे अगर आप डीजे लाइन में कभी जाते हो तो आपका नुकसान आपका भाई नहीं होने देगा। और फिर भी आपको कुछ और पूछना हो और आपको कुछ भी किसी चीज़ की आगे वीडियो चाहिए आपको तो कमेंट सेक्शन में बताना दोस्तों, आपका भाई उस वीडियो थोड़ा समय लगेगा पर वो वीडियो भी जरूर लाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आगे, जो बात है वो मैंने आपको बता दी कि डीजे गाड़ी में अगर बनवाना चाहो तो दोस्तों ये ज़रूर करवा लेना जो मैंने करवाया है, इससे आपका कोई छोटा या कोई मोटा नुकसान होता तो मैं होता 10 या 12 लाख रुपए के नुकसान से बच जाओगे, बस इतनी सी बात है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, शायद अगली वीडियो ये हो कि मैं रायला की भी डाल सकता हूँ डायरेक्ट, और यह जहाँ डाला बनता है वो भी डाल सकती है, तो बस जो भी होगा वो समय का खेल है सारा, समय किसी का पाबंद नहीं है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है दोस्तों, अपने चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक ठोक देना और बेल आइकन के घंटे को जरूर दबा देना। ठीक है।